आप देख रहे हैं देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। फेफड़ा भी सूख गए, देखो पता क्या फाड़ गए। अब इतने संभलो तो तुम उससे क्या लेन देन है, क्या फिर सरकार बने किस काम की हो? नांगदा से आए, सात खोरी नांगदा। क्या समस्या है? क्या समस्या है? सब तो भूखा प्यासा कोई है, कहीं नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, आती जल गया अंधारा में, कुछ भी नहीं है बाबूजी। तो पानी की सुविधा नहीं है? पानी भी नहीं है, कहीं नहीं है, लोग मारने के लिए जाते हैं कुएं पे, पानी भरने के लिए जाते हैं, मटका भी फोड़ फोड़ के फेंक, क्या करें? सरकारी सुविधा नहीं मिली? कहीं नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली। सब निकल रहे हैं वहाँ तो रात में, कपड़ी हपड़ी सब तोड़ दी, सियाड़ा में ठंडा मर गया, क्या नहीं है वैसा। कितना परिवार है आपके वहाँ? बहुत परिवार, 200-250 परिवार है। अच्छा, झोपड़ी नहीं है ढांकने के लिए। कहाँ पर आए अभी आप? अपने यहाँ आए नहीं। कहाँ पर? कलेक्टर, कलेक्टर साहब के पास में आए। ठीक है, आप कुछ बोला उन्होंने आपको? जाने कहाँ बोले, मिले तो नहीं, अबे मिलेगा तो बोलूँ। नाम बता दो आप, नाम बता दो। हाँ, रेशम भाई पता है कहाँ से आए हैं? परिवार वाले कितने लोग हैं? क्या सर, हम जनसंख्या हमारा पूरा परिवार 250 लोग है, नागदे से आए है, वार्ड नंबर 45 से हमारे मकान तोड़े गए थे, सात खोरी तालाब के पास में हमको बिठाया गया है वहाँ। हमारे को कम से कम 2-2.5 साल होने को आए हैं, हमारे ना तो पानी की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, और कम से कम हमारे 100-150 बाल बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको भी परेशानी है, और सरकार से मेरा हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि हम गरीब लोगों की कुछ ना कुछ सहायता की जाए। पार्षद कौन है वहाँ पे? पार्षद अपने मुकेश मोदी जी। क्या चर्चा हुई वहाँ पे? वहाँ चर्चा भी सम सही हम लोगों ने, लेकिन हमारी कोई सुनता है ना, कोई सुनते भी नहीं है ये बात है, गरीब लोगों की इतनी ज्यादा कोई नहीं सुनते, मतलब ये हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी गरीब लोगों की कुछ ना कुछ सहायता हो, लाइट पानी की, ये बिजली वगैरह। अभी कहाँ से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं? अभी हम लोग खेतों में से पानी लेके आ रहे हैं, और कोई ज्यादा परिवार हो तो वो तालाब में से पी रहे बेचारा, अब क्या करे, पानी तो पीना पड़ता है, कैसा भी गंदा पानी होगा अच्छा पानी हो पीना तो पड़ता है। कितने परिवार है वहाँ? 250 परिवार है सर। 250 परिवार के यहाँ पानी नहीं, पानी कुछ भी नहीं है, नल वगैरह कुछ भी नहीं है, हैंडपम्प हैंडपम्प भी नहीं है सर। सरकारी कोई सुविधा? अरे सरकारी कोई सुविधा ही नहीं है उस गाँव में। कब शिफ्ट करा था आपको वहाँ? वहाँ पे हमको कम से कम 2 साल हो गए। अभी क्या बोला अंदर आपने? अभी बोले है कि कर रहे ऐसे वो ऐसे होते होते वो कम से कम 2 साल हो गए, हमारी कोई सुनते नहीं सर ये बात है। अच्छा, कुछ बीमार भी हुए क्या पानी पीने से? अब होते रहते हैं, अब गरीब लोगों में तो पानी पीने के लिए क्या, अब गंदा पानी पीते तो बीमार होते ही है ये बात है। नाम बताओ। मैं भगवान नाथ जी बोल रहा हूँ। और गाँव का नाम? नागदा।